हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूँ जाहिद और आप देख रहे हैं जरी रिएक्शन। सो गाइस, आज जिस वीडियो पर रिएक्शन करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मतलब यूट्यूब पे इतने सारे प्रैंक स्टार है जो कि बहुत ही गजब के प्रैंक करते हैं और बहुत लोग ऐसे भी है जो इनके प्रैंक बहुत ही वाहियात होते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। और ओए वेले करके हमारे यूट्यूबर है जो उन्होंने भाई इस पर एक वीडियो बनाई है और लिखा है मॉडर्न इंडियन प्रैंक स्टार। तो पहले वीडियो देख रहे हैं फिर बात करेंगे। सो हियर वी गो। अच्छा बेटे, क्यूट गर्ल्स देखने आ गए फटाफट। एक काम करो, ईयरफोन डाल लो कान में और सुनो, सब्सक्राइब बटन के साथ में ना घंटी है वो दबाना मत भूलना, बता रहा हूँ। हाँ जी, क्या हाल है। तो आज की वीडियो में देखने वाले उन चमन लंडूरों को जिन्होंने अपने सो कॉल्ड पी रैंक से पूरे यूट्यूब को अपवित्र कर दिया है। लिफ्टिंग ऑन लेग प्रैंक विद क्यूट गर्ल, टचिंग गर्ल एस, स्लीपिंग शराबी प्रैंक, बलून प्रैंक ऑन क्यूट गर्ल्स, बलून लगा दिया है एस पे, लिप किसिंग एंड शोइंग मैजिक ऑन क्यूट गर्ल्स। ये चमन लंडूरे तुम्हें दिल्ली के सीपी के आसपास चमगादड़ की तरह भटकते हुए दिखाई देंगे, बेशक दिन हो या रात। तो चलो यार, एक हाथ में पकड़ लो हार्पिक की बोतल और दूसरे में पकड़ लो सैनिटाइजर की शीशी, क्योंकि इन दोनों की जरूरत पड़ेगी वीडियो के एंड में। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की फैंटेबुलस झकास और तोड़ू वीडियो को। उड़ता तेल लुच्चा बेबी, उड़ता तेल लुच्चा बेबी, विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। ये कौन सा इंट्रो होता है बे, उड़ता तीर लुच्चावीर। बेटा ऐसा किस दिन सन की बुद्धि से टकर गया ना तू, तो उड़ता तीर इन लुच्चावीर हो जाएगा। ये क्या था? नो नो नो, मतलब खा ले जाऊंगा तुझे यार हरिया में। अरे यार मस्त लग रही है यार, तुमने देखा तुम्हें वहां जा। वाह लुच्चे वाह, क्या प्रैंक है। नहीं क्या प्रैंक है, ये लौंडा प्रैंक के नाम पे लड़कियों को गोदी में उठाता है और लास्ट में बोलेगा दीदी दीदी वो देखो सामने कैमरा, हाय कर दो कैमरे को, हाय हाय, अरे दीदी प्रैंक कर रही थी तो चलते हाय कर दो हाय, और लड़की कर भी देगी। स्वाद कहां है, वेयर इज द प्रैंक। क्या बात कर रही है, दिमाग में मत खराब है क्या, पटना चाहते हैं। नहीं यार प्यार हो गया तुमसे, देखा तो मैंने कहा कहां चलो, चलो ना बंगले पे। जूता खाएगा क्या, जूता खिलाना कुछ किसस खिला दो यार, खिलाना कुछ किसस खिला दो यार, किसविस खिला दो। प्रैंक कर रहा है कि अपनी हवस बुझा रहा है ये लौंडा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 100% उन्हीं लोगों में से है। सीपी के पार्क में चुन्नी डाल के कपड़े नहीं लेटे होते, और इतनी डार्क जेड चुन्नी होती है भाई, तुम एक्सरे मशीन लगा के देख लो ना तब भी अंदर ना दिखे अंदर क्या गुच्चू पुच्चू चल रहा है। अरे बबीता वो जेट ब्लैक चुन्नी डाल के आई हो, अरे अंदर को ना दिखे जरा सा भी ना दिखे, आज तो गीली 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 कर दूंगा पूरी। थप्पड़ प्यार चाहिए हमें तो दे दो यार, हेलो दे दो, ऐसे एक पप्पी दे दो बस, सुनो एक एक किस दे दो, एक एक। क्या भाई क्या लड्डू मांग रही है क्या भाई, दे दो दे दो, थोड़ी किस मिल जाएगी। अब झंड फकीर बंद दरवाजे वाले भूत, टोपे के ऊपर टूटे हुए करली बाल, ज्यादा हो गया क्या भाई, हमें ये तो बता दे हंसना कब है। कसम से लास्ट टाइम जब मैंने ऐसा कुछ देखा था ना उसको फ्लश किया था मैंने, प्रैंक के नाम पे ना कतई घू दिखाने लग रहा है। उड़ता तीर लुच्चावीर, अबे साइकिल के टायर पे चिपके हुए गोबर। फिर आ गया, क्या बदतमीजी है ये, क्या बदतमीजी है, अच्छी क्या बदतमीजी है, अच्छी लगी जा रहा, क्या अच्छी लगी, क्या बदतमीजी है यार, मेरे को तुमसे प्यार हो गया था ना, क्या प्यार हो गया, जो लड़कियों को गोदी में उठाए वो है लुच्चा बेबी, पी रैंक के नाम पे जो लड़कियों से पप्पी मांगे वो है लुच्चा बेबी, पी रैंक के नाम पे जो वीडियो में हगे वो है लुच्चा बेबी। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस वाईएएस बनो, लेकिन नहीं नहीं लेजेंडरी लाइन बोल दी भाई ने, चनू ने काट रहा है। मुझे लगता है पोलियो के साथ साथ बचपन में ना काफी खुराके रह गई हैं इसकी। कोई दिक्कत नहीं, खरीद लेंगे, पब्लिक देख रहे हो ना, पब्लिक कुछ कर पाएगी, मारेगी ना जिंदगी भर, याद रखोगे तुम, बंदूक लगाएंगे स्वैग देख रहे हो लोंडे का, बंदूक लगाएंगे ढें से उड़ाएंगे। अबे विकास दुबे के पिछवाड़े से निकली भी सूखी लैंडी, सच्ची बता, सच्ची 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 बताइयो, गाड़ी पलटा था हाईवे पे पैदा हुआ था ना, सच्ची बताइयो, क्योंकि ज्यादातर एक्सीडेंट तो वही होते हैं, फिर वही मुझे वही सेम डायलॉग यूज करना पड़ता है हर बार, 1,000,000 की स्पर्म की रेस में ये लोंडा कैसे जीत गया, अंदर रहते हुए भी बाकियों के साथ तूने प्रैंक करा था क्या, ओ सॉरी पी रैंक।
यार मेरे को आप अच्छी लग गई ना। नहीं ऐसे थोड़ा होता है, आप मेरे को आपको कोई रैंडम लड़की अच्छी लग जाएगी तो आप क्या उसको गोदी में उठा लोगे? और क्या, हमें हम जाएंगे और क्या, हमारा बस चलता, हम घर क्या अपने बहू बना लेंगे। चलो पुलिस के पास चलो। पुलिस की क्या क्या करेगी जब मतलब मियां भी राई क्या करेगी? अच्छा, अच्छा मैं राजी थी अभी। और क्या, मैं वहाँ देख रहा हूँ आंखों से, आपको आपको मैं आपको प्यार हो गया। और क्या, आंखों में आके प्यार हो गया, देखा मैंने, प्यार नहीं हुआ आपको? अभी चलो पुलिस के पास चलो। अरे सुन तो लो, पुलिस क्या करेगी जब मियां भी राई करेगी? राजी मियां बीवी कहाँ से हो गए इधर? अरे मैं देखा आपको प्यार हो गया ना, प्यार नहीं हुआ आपको? नहीं हुआ है प्यार, क्या पागल हो गए हो क्या? रैंडम किसी भी लड़की को उठा के गोदी में लेके आप घर ले जाओगे? अरे वो है ना, गोदी में ले जाओ रात में, दिया बता के क्या 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 भाई क्या कर लिया है तू? इस टाइम पे ना सारा स्वाद जो ले रहा है कैमरामैन ले रहा है। दीदी कैमरा रोल इन एक्शन, मतलब वहां पे सामने कैमरामैन खड़ा हुआ है, दीदी को कोई आइडिया ही नहीं है। दीदी फोन पे लगी हुई है, हाँ जी हाँ जी 100 रुपए मिल चुके हैं मुझे एक्टिंग के, बस 100 रुपए ही मिले, हाँ बस ये उठाएगा और छोड़ देगा। इसके बाद ये सो कॉल्ड पी रैंकस्टर्स इस चीज को पी रैंक का नाम देते हैं। अब समझ आ रही है तुम्हें कि भगवान ने हमें मिडल फिंगर क्यों दी है? इन जैसे को दिखाने के लिए, काश मेरे पास थोड़ी और होती। पुलिस के पास चलो। तुम्हारे घर में कोई भाप माँ बहन नहीं है क्या? नहीं यार, माँ बहन तो है पर बहू चाहिए कि तुम्हारी प्यारी सी चुटकी सी। पुलिस पुलिस ने एक काम करते हैं, घर चलते हैं, माँ हमारी बहू बन जाओ माँ की। देखो ऐसा लुच्चा वीर की तो सारे पैसे काट ही लो ओवर एक्टिंग के, लेकिन जो ये लड़की है ना इसके तुम पैसे तो काटो ही काटो, जेब से इसके 150 रुपए और ले लो। अबे कैमरामैन के सामने से निकल के जा रही है तू, चलो पुलिस पास चलो, पुलिस पास चलो। पुलिस वहां से 2 किलोमीटर दूर है, इनको क्या लगता है हम जैसों को ये पी रैंक जो है रियल लगेगा? नहीं, हम क्या यहाँ फुद्दू बैठे हैं? भाई गजब, इतनी रिस्क वाली वीडियो बनाते हो, नाइस प्रैंक, रियल एक्शन, सुपर ब्रो, लाजवाब। ये जो लोग स्वाद लेते हैं ना इस टाइप की वीडियोस में, ये वही लोग हैं जिनका अगर वीपीएन कनेक्ट नहीं होता है तो सॉफ्ट वाली पो वाली रन देखने के लिए यूट्यूब पे टाइप करते हैं लुच्चा वीर प्रैंक्स। तो ये तो हो गई क्यूट गर्ल्स प्रैंक की बात। इस लौंडे और इस टाइप के काफी लौंडो ने पूरे यूट्यूब को ब्रेजर्स और नोटी अमरीका बना दिया है। भाभी आपके साथ घपा घप करना है, भाभी आपके साथ घपा घप करना है, प्रैंक कौन सपना भाभी, किसिंग प्रैंक कौन सविता भाभी, प्रैंक कौन जुम फुला दो घपा घप करना है, बॉडी मसाज ऑन हॉट भाभी। भाई टाइटल तो टाइटल, इन सालों के थंबनेल भी ऐसे होते हैं कि साला एक बार के लिए एवा एडम्स मियां खलीफा शर्मा जा रहा भैया। ओ भैया अगली बार जो ये है ना, ये इंडियन प्रैंकस्टर का जो थंबनेल है बिल्कुल ऐसा बनाने का ताकि व्यूज आए दबा के। खोर कलयुग है भाई, खोर कलयुग है। तो चलो यार आज की वीडियो में इतना ही। जो तुमने हाथ में शीशी पकड़ रखी थी सैनिटाइजर की, उससे अपने आप को साफ कर लो, क्योंकि इस सब चीजों को देखने के बाद तुम अपवित्र तो हो चुके होगे, अपवित्र तो 100% हो चुके हो। मैं तो बस नहाने जा रहा हूँ सैनिटाइजर से अभी। तो चलो तुम्हें वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना। सुनो बहुत जरूरी बात है, घंटी दबा देना, क्योंकि काफी लोगों ने घंटी नहीं दबाई है तो वीडियो नोटिफिकेशन उनके पास नहीं जाती है। ठीक है, दबा दो घंटी एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए इश्यो बड्डी वेला बॉय। ओहो भाई बहुत सही और बहुत सटीक वीडियो बनाई है। बाकी मैं बात करी जाए भाई इन प्रैंक स्टारों की, तो मतलब यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो है जो इस कलर भरी हुई है इन प्रैंक स्टारों की, मतलब हर कदर मतलब क्या बोल सकते हैं, इतनी खतरनाक खतरनाक इन्होंने वीडियो बना रखे हैं। इनके थंबनेल के साथ साथ इनके जो स्लोगन और जो सबटाइटल लिखे हैं वो इतने खतरनाक लिखे हैं कि भाई मतलब बंदा जो देखना चाहता हो तो टच कर ही देता है, क्योंकि भाई आजकल के लोग बाग भी इन चीज़ों को देखना चाहते हैं। और बात करी जाए इनकी प्रैंक की, तो भाई इनके प्रैंक भाई देखने के बाद ऐसा लगता है कि बकायदा ये भाई स्क्रिप्टेड है, वो पूरी तरीके से भाई स्क्रिप्टेड होते हैं, क्योंकि भाई अगर ऐसे प्रैंक करेंगे तो भाई बकायदा यहाँ तो जूते पड़ेंगे। अगर हमारे वहाँ अगर ऐसे प्रैंक करते हो तो भाई जूते के साथ साथ इतना मारेगी पब्लिक कि भाई ना घर जा पाऊँगे, ना भाई लेट पाऊँगे, ना कुछ कर पाऊँगे, क्योंकि ऐसे प्रैंक में लड़कियाँ भाई इस कदर मतलब ऐसा थोड़ी ना होती है भाई, बकायदा ये स्क्रिप्ट लिखते हैं और ये प्रैंक करते हैं और बकायदा भी चीज़ें होती है। तो ये प्रैंक भाई अगर दिल पे मत ले लेना, अगर भाई आप चाहे कि मैं भी ऐसे प्रैंक करना स्टार्ट कर दूं तो भाई जूते पड़ेंगे। बकायदा जो ये लड़कियां रहती है वो पूरी स्क्रिप्ट लिखी रहती है और ये काम करती है, तो इनके कुछ नहीं होता है। तो आप भी लोग ऐसा ना सोच ले कि भाई ये लड़कियों के साथ भाई आप भी ऐसा प्रैंक कर लोगे और आप भी भाई इतने खतरनाक सुपर स्टार भाई यूट्यूबर के बन जाओगे।
तो गाइस ओवरऑल वीडियो बहुत शानदार थी, मुझे बहुत पसंद आई और मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है।